नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में आपको कम जानकारी है या फिर अधूरी जानकारियां हैं, उन जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तमाम विशेषज्ञ जो कि तमाम विषयों पर आपको जानकारियां देते हैं और आपको अवेयर करते हैं उन चीजों के बारे में, ताकि आप जो बीमारियां हैं या जो परेशानियां हैं उनसे आप रूबरू ना हो और उनसे आप समय रहते बच सकें। तो इसी क्रम में हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एक्स प्रोफेसर एंड हेड है एसएन मेडिकल कॉलेज के। सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, आपको बता देते हैं कि डॉक्टर संध्या अग्रवाल अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं महिलाओं के लिए। इससे पहले ये एक संपूर्ण महिला हैं, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, इन्होंने एमबीबीएस में भी रिकॉर्ड तोड़ा और 35 गोल्ड के साथ सिल्वर मेडल हासिल किए अपनी मेडिकल लाइफ में। उसके बाद इन्हें प्रेसिडेंट मेडल से भी नवाजा गया। ये तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं, तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें अवेयर करने का काम करती हैं। ये कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं और इनके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्नति की राह पर हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। तो चर्चा आज करेंगे इनके साथ। आज हम स्त्रियों में जो हड्डियों का घनत्व कम होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इस बारे में इनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये महिलाओं में ये जो परेशानी है क्यों होती है, कैसे होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, टेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, सावधानियां क्या रखनी है, डाइट प्लान क्या रखना है और इसके जो इंडिया में बढ़ते कारण है वो क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इनके साथ, चर्चा शुरू करेंगे। और सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का जो घनत्व कम होना है महिलाओं में, ये क्या होता है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का घनत्व कम होना, यानी कि हड्डियों का खोखलापन शुरू हो जाता है जी। और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सबसे इसका नुकसान ये है कि जरा सी भी चोट पे एकदम ये टूट जाती हैं, क्योंकि ये हड्डियां कमजोर होती हैं, इनका फ्रैक्चर भी आसानी से नहीं जुड़ता है। और दिन पे दिन ये समस्याएं बढ़ रही हैं आज के लाइफस्टाइल की वजह से। हमारे देश में आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं, परंतु अमेरिका के आंकड़े देखें, जो इतना विकसित देश है, वहाँ भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें 80% महिलाएँ हैं। तो मेनली ये महिलाओं की समस्या है और ये समस्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये समस्या और बढ़ती जाती है। और सबसे खराब इसका दुष्प्रभाव है कि हड्डियाँ टूटने लगती हैं और जीवन जो असली हमारे ऑलरेडी जो हमारी आयु है, पहले जो 50 के आसपास होती थी अब 75 हो गई है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इस उम्र में है। अगर 50 के बाद वो जीवन अगर अच्छा ना गुजरे तो उस बढ़ी हुई आयु का कोई फायदा नहीं है जी। तो अगर हम बात करें हड्डियों के विकास की, एक बच्चा जब जन्म लेता है उससे लेकर जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी हड्डियों का भी विकास होता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से इन हड्डियों का विकास होता है? हड्डी एक बहुत ही लिविंग टिश्यू है, इसके अंदर लगातार सेल्स बनते हैं और टूटते हैं। वो सेल्स जो बनते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और जो टूटते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये दोनों ही क्रियाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं दोनों क्रियाओं के कारण शरीर का विकास होता है और एक शरीर आकार लेता है। उदाहरण के लिए, से बच्चा जब पैदा होता है सिर्फ लेटा रहता है, उसकी हड्डियां बहुत खोखली होती हैं, कमज़ोर होती हैं और जैसे जैसे वो बढ़ती जैसे जैसे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है वो बैठना शुरू कर देता है और हड्डियों में ताकत आती है तो वो और वो खड़ा होना शुरू कर देता है, धीरे धीरे करके चलना शुरू कर देता है जी। ये 35 साल की आयु के बाद में जो हड्डियों के टूटने की प्रक्रिया है वो थोड़ी बढ़ जाती है और हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया और हड्डी बनने की प्रक्रिया ये धीरे धीरे कम होने लगती है जी। और ये प्रक्रिया के लिए हमारे यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि खाने में प्रचुर मात्रा कैल्शियम की होनी चाहिए। हड्डियों के अंदर मेनली कैल्शियम और प्रोटीन होता है और कैल्शियम के लिए विटामिन डी की अत्यंत आवश्यकता है।
कुछ थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, ये भी हड्डियों की मजबूती में सहायता करते हैं जी। ये इसके अतिरिक्त कुछ हार्मोन से भी कंट्रोल्ड है, जैसे कि फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, वो हड्डियों का घनत्व तो हमेशा बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि थायराइड हार्मोन है, थोड़ा सा स्टेरॉयड हार्मोन है, इन सब पैराथायरॉयड हार्मोन, इनका भी रोल है हड्डियों को मजबूत करने के लिए जी। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि ये जो विकास है वो समय के साथ होता है, लेकिन अगर हम बात करें किस उम्र में अगर हम कहें कि ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो सकता है या उसकी संभावनाएं जो हैं वो वहाँ से शुरू हो जाती हैं, तो एक एज की बात करें तो क्या एज रहती है? यूजुअली 35 के बाद हड्डियों का हड्डियाँ धीरे धीरे करके कमज़ोर होती हैं, मगर जिनके भोजन में कैल्शियम की, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा है, ये प्रोसेस बाद में डिले हो जाती है। जिनकी रजोनिवृत्ति हो गई तब एकदम हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से जो हड्डियाँ बनती हैं उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। ये जो औरतें जिनकी की किसी कारण से अंडाशय निकाला है तो उसमें भी हार्मोन एकदम ख़त्म हो जाएगा, एकदम हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, या किसी की रेडियोथेरेपी हुई हो, या कोई जैसे कि रेडियोथेरेपी कई कारणों से होती है, कैंसर के कारण और अन्य कई कारण है, या फिर जो लगातार स्टेरॉयड हार्मोन्स ले रहे हैं, आजकल आर्थराइटिस में स्टेरॉयड हार्मोन लेना बहुत कॉमन बात है कि, इसके अतिरिक्त जो लोग लगातार कोई कीमोथेरेपी टाइप की मेडिसिन में, इनकी हड्डियाँ बहुत जल्दी कमज़ोर होती हैं जी। तो दर्शकों, आपको बता देते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल के साथ, जो कि आपको बता रही हैं कि जो स्त्रियों में हड्डियों का जो घनत्व है वो कम होता जा रहा है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर के साथ। तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर से जानेंगे, डॉक्टर इसकी प्रोसेस क्या रहती है ऑस्टियोपोरोसिस की, अगर हम बात करें तो क्या प्रोसेस रहती है, अंदरूनी जो चेंजेस हैं वो क्या आते हैं? सबसे पहले हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक, और हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से शरीर में दर्द रहता है, और एक बार किसी के भी शरीर में दर्द है तो उसकी जो कार्यविधि है वो बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल वो काम करना नहीं चाहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और ज़्यादातर आराम करना चाहेगा। आराम करने के बाद उसका रक्त प्रवाह कम होने लगेगा, जिसकी वजह से उसको अन्य बीमारियां भी घेर लेंगी, जैसे कि हृदय रोग, दिमाग का रोग, और सबसे बड़ा कष्ट मानसिक, बिल्कुल अशांति पैदा हो जाएगी, क्या हो रहा है मेरे को, मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जी। तो अगर इनके कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो जो मेन इसके कॉज हैं वो क्या रहते हैं, क्या कारण है इनके जिसकी वजह से ये स्टार्ट हो जाता है, महिलाओं में ही ज़्यादा क्यों है ये? मेन कारण उनका लाइफस्टाइल है। नंबर वन कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी अब बहुत हो गई है, पहले नहीं थी, पहले औरतें धूप में बैठ के काम करती थी, विटामिन डी के लिए धूप की अत्यंत आवश्यकता है। मिल्क, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में भी विटामिन डी है, पर उससे इतना नहीं मिल पाता है विटामिन डी। अब सब लोग धूप में काम नहीं करते हैं, सब लोग अंदर एसी कमरे में बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ पूरा अपने को कवर करके निकलती हैं कि कहीं हमें धूप ना लगे, हमारे शरीर पर असर ना पड़े। इस कारण से शारीरिक कार्यविधि बहुत कम हो गई है, हड्डी बनने के लिए शारीरिक कार्यविधि बहुत आवश्यक है, हर काम बैठ के हो रहा है, रिमोट से हो रहा है, टीवी के लिए भी रिमोट कंट्रोल है, मोबाइल है, तो जो नॉर्मल जो प्लस खड़े होकर चलने का काम खत्म हो गया है, नीचे ज़मीन पे बैठने का काम खत्म हो गया है, उस वजह से हड्डियों की कमज़ोरी बढ़ रही है जी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हमारी चर्चा का जो विषय है वो भी यही है कि महिलाओं में इसकी जो अधिकता है वो देखी जाती है, तो एक अगर मेन कारण कहें, चाहे मेनोपॉज हो या इसके अलावा और कौन से कारण हैं जो महिलाओं में ये स्थिति ज़्यादा ख़राब होती जा रही है? एक तो महिलाएँ अपने भोजन की वजह से ध्यान नहीं देती हैं, अपने भोजन पर पूरा ध्यान नहीं देती हैं, उनके घर के सदस्यों की ज़्यादा चिंता होती है, हर चीज़ में मिलावट बढ़ रही है, और हार्मोन का तो मेन कारण है ही उनमें हड्डियों की कमी होने का जी। तो दर्शकों, आपको बता देते हैं आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल के साथ, और चर्चा में अभी तक हमने जाना जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो किस कारण से होता है, क्या लक्षण है उसके, महिलाओं में बढ़ने का इसका कारण क्या है, चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, अगर हम बात करें हड्डियों पर इसके प्रभाव की, तो वो क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सी हड्डियाँ हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं अगर कोई पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस का है तो? वैसे तो शरीर की सब हड्डियों पे प्रभाव पड़ता है, और जनरली मरीज़ यही कहते हैं कि हमें पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित कूल्हे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ये होती है, उसके बाद कलाई की हड्डी पे असर पड़ता है, और रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी तो शरीर की पूरी जान है, सारी कार्यवृद्धि, सारा वेट उन्हीं दोनों हड्डियों पर आता है, और जरा सी चोट के बाद एकदम टूट जाती हैं, और 60 वर्ष की आयु के बाद तो बगैर चोट लगे भी
हड्डी टूट सकती है, और जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है करीब 25% हड्डी खत्म हो चुकी होती है जी। तो अगर हम बात करें एक परसेंटेज की, तो किस तरीके की जो महिलाएं हैं या लाइफस्टाइल जिन महिलाओं की ज़्यादा एक जैसी रहती है, अगर हम बात करें तो किन महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है? उन महिलाओं में जो जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, जैसे कि सुबह से निकलती हैं ऑफिस का वर्क कर रही हैं, एसी कमरे में बैठ रही हैं, घर पर भी उनको कोई बैठने के लिए समय नहीं मिल रहा है। वो घर पे सुबह उठ बैठे, उन्होंने चाय ली, उसके बाद फटाफट तैयार हुए, घर में किचन का काम भी ज़्यादातर चीज़ें बहुत कम समय पे सारा काम हो जाता है, फिर ऑफिस में गए, या जो घर में काम करने वाली महिलाएं वो धूप के अंदर नहीं बैठ रही हैं। अब वैसे तो घरों में अब धूप आती ही नहीं है, ज़्यादातर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है, और फिर भी धूप में बैठने का ट्रेंड नहीं रहा है, और जो अपने भोजन पर समुचित ध्यान नहीं देती हैं जी। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि ये जो बदलती लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, बदलता लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है। पहले वाले लाइफस्टाइल में जब गांव में शुद्ध खाना मिलता था, शुद्ध हवा मिलती थी, और बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता था, तब इस तरह की कोई बीमारी देखने को नहीं मिलती थी जी। तो अभी जो शहरी महिलाएं हैं, या हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो क्या उसके कंपैरिजन में शहरी महिलाओं में ज़्यादा स्थिति खराब है ग्रामीण महिलाओं के? ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहर में स्थिति ज़्यादा खराब है, क्योंकि हर चीज़ में तो मिलावट है, हमें नहीं मालूम जो दूध पिया जा रहा है वो सही है या नकली दूध है। प्लस कोई ना शुद्ध हवा मिल रही है, ना धूप में बैठा जा रहा है, घरों के अंदर छोटे छोटे घर हो गए, इसलिए शहर की महिलाओं में ये बहुत अधिक है समस्या जी। तो अगर हम बात करें जो मेंटल चेंजेस हैं वो क्या रहते हैं महिलाओं में, अगर ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार वो हो चुकी हैं तो? अगर एक बार महिला ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो चुकी है, देखने में तो कोई बीमारी नहीं है, शरीर भी देखने बहुत स्वस्थ है, परंतु काम में मन नहीं लगता है, और क्योंकि हर चीज़ में दर्द होता है और एक साइकिल बन जाता है, एक बार वो ढंग से काम नहीं कर पाती हैं तो और काम से दूर भागने लगती हैंगी, और ये देख के उन्हें बड़ा मानसिक कष्ट ये होता है कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी आ गई है कि मैं अपने घर का काम नहीं कर पा रही हूँ जो मेरा रूटीन काम था, और वो आलस की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है जो और बीमारियाँ उत्पन्न करती है जी। तो दर्शकों, आपको एक बार बता देते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल, और चर्चा कर रहे हैं हड्डियों का घनत्व जो कम होता है इस परेशानी के बारे में। महिलाओं में इसका प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं की जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इस कदर होती है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, परिवार में वो इतनी बिजी है कि अपने ऊपर उन्हें ध्यान देने का समय ही नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीजन है वो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो दिनचर्या है वो इतनी खराब हो चुकी है, खानपान के अलावा भी और भी कई कारण हैं जो डॉक्टर ने आपको बताए हैं, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर से जानेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को, डॉक्टर अगर हम रोकने की बात करें या फिर उसके टेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या उसे रोका जा सकता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हर हालत में रोका जा सकता है। हम लोग रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, रूटीन में सब लोग ब्लड शुगर करा रहे हैं, लाइपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, क्योंकि उनको हृदय रोग से बचना है, दिमाग के रोग से बचना है। हम हड्डी के घनत्व की क्यों नहीं जांच कराते हैं? हर महिला को 35 की आयु के बाद कम से कम साल में एक बार अपनी हड्डियों की घनत्व की जांच करानी चाहिए जी। उनको अपने भोजन पे प्रचुर मात्रा विटामिन, उनको अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए, जिस तरह से कि वो भोजन में विटामिन डी की मात्रा बढ़ाएं, थोड़ी सी कम से कम आधे घंटे का समय निकाल के बहुत ही वर्कआउट करें या विग्रस कसरत करें, या घर में बहुत तेज़ टहलें, जो काम वो बैठ के करती हैं वो खड़े होकर करें, खड़े होने का काम वो चल के करें, उसी में भी शरीर में काफ़ी कार्यवृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा अगर उनको लग रहा है कि दूध में प्रॉपर मात्रा नहीं मिल रही है, तो अपने भोजन में एज अ सप्लीमेंट रेगुलर कैल्शियम और विटामिन डी लेना प्रारंभ कर दें, हालांकि इसके पहले उनको खून में कैल्शियम और विटामिन डी की जाँच करा लेनी चाहिए जी। तो दर्शकों, आज की हमारी जो चर्चा है वो स्त्रियों में होने वाली परेशानी की है, और स्त्रियों के जो हड्डियों में घनत्व कम होता जा रहा है जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, और तमाम जो परेशानियां हैं इसके साथ उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उनके सामने पेश आती हैं, तो उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डॉक्टर आपको जानकारी दे रही हैं। लेकिन यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल और चर्चा कर रहे हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। स्त्रियों में ये जो समस्या है वो क्यों आती है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, क्या इसको रोका जा सकता है, इसके हार्मोन जो चेंजेस हैं वो महिलाओं में क्या होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, किस एज में ये होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। और आप चर्चा आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, तो ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या टेस्ट अभी अवेलेबल हैं, उन्हें महिलाएँ करा सकती हैं जिससे रहते वो इस बीमारी से बच सके? सबसे आसान टेस्ट बोन मिनरल डेंसिटी है। ये बिल्कुल सादा टेस्ट है, जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, इसी तरह से ये टेस्ट होता है। इसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी का और साथ में कलाई की हड्डी का घनत्व देखा जाता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा कराई जाती है। वो इसलिए कराई जाती है ताकि हमें मालूम पड़े कि वो कितना उसके आगे उपचार के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ मार्कर्स भी हैं पर वो इतने महंगे हैं कि वो रूटीन में नहीं कोई करा सकता है। जी, मेन टेस्ट बोन मिनरल डेंसिटी, कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स हैं। और ये हर स्त्री को 35 की आयु के बाद एक बार करा लेना चाहिए। और जो औरतें जिनकी सर्जरी हो चुकी है या जो कोई स्टेरॉयड ले रही हैं या जिनमें थायराइड की समस्या है, उनको और ज़्यादा बार बार ये टेस्ट करा लेना चाहिए। जी, तो डॉक्टर, जैसा कि आपने हमें अभी चर्चा में बताया था कि जो कूल्हे की हड्डी है वो अगर टूट जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो अगर हम बात करें स्थिति अगर ज़्यादा ख़राब है किसी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट की, तो उसमें क्या सर्जरी और ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, कब तक वो करा सकते हैं, किस किस स्थिति में संभव है ये? सर्जरी सिर्फ फ्रैक्चर के लिए अवेलेबल है जी। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ऐसा सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट है जी। और मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो मैंने पहले बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रिकॉशनरी लें। एक ये बीमारी है जिसको कि रोकें, एक बार अगर हो गई तो वो कमी पूरी होना बड़ा कठिन है। अगर फ्रैक्चर हो जाए, ऑफकोर्स फ्रैक्चर का ही ट्रीटमेंट है, और साथ में जब फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करते हैं तब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं जी। तो डॉक्टर, अगर हम ये कहें कि महिलाओं का जीवन ही ऐसा है कि लगभग हर समय उनके जो बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं, तो ये स्थिति हर समय उनके जीवन में बनी रहती है, तो अगर हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की, तो यहाँ पर भी हार्मोन्स का कितना रोल रहता है और कितने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो इस कंडीशन में? देखिए, हार्मोन्स का रोल एज सच, जब तक स्त्री के शरीर में हार्मोन बन रहा है उस समय हार्मोन थेरेपी नहीं दी जाती है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसकी जगह उसको सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जैसे कैल्शियम की लेवल कम है वो देते हैं, विटामिन डी कम है वो देते हैंगे, उसको खान पान के लिए समुचित सलाह दी जाती हैगी। परंतु जिनकी ऑपरेशन से निकल चुकी है यूट्रस और साथ में ओवरीज, उसमें तत्काल हार्मोन थेरेपी शुरू कर दी जाती है। और जिन महिलाओं को नेचुरल मेनोपॉज या नेचुरल उनकी मासिक धर्म समाप्त हो चुका है, तब उसके समाप्त होने के बाद कुछ सालों तक हार्मोन थेरेपी दी जाती है। परंतु हार्मोन थेरेपी अपने आप शुरू नहीं करनी चाहिए, हमेशा डॉक्टर की सलाह से होती है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और प्रॉपर सलाह के बाद भी और रेगुलर डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, अगर कोई इसका दुष्प्रभाव हो रहा है तो इमीडिएटली वो थेरेपी बंद कर दी जाती है जी। तो डॉक्टर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यूट्रस या फिर ओवरी निकालने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पर, तो उस कंडीशन में क्या ये संभव है कि स्त्रियों को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है? हमेशा ऑपरेशन के बाद में जहाँ ओवरीज निकाल दी जाती हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस उस तुलना में जिसमें स्वाभाविक रजोनिवृत्ति हुई है उससे हमेशा ज़्यादा रहता है। और हर डॉक्टर रूटीन में अगर ओवरीज निकालते हैं तो लेडी को हार्मोन थेरेपी शुरू कर देते हैं, अनटिल अनलेस कोई उसके साइड इफ़ेक्ट का डर हो, तब उसकी जगह और दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकती हैं जी। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे हैं टेस्ट और ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसका ट्रीटमेंट कितने समय से कितने समय तक चलता है, इसके जो मैक्सिमम टाइम है वो कब तक हो सकता है एक ट्रीटमेंट का? हार्मोन थेरेपी तो बहुत लंबे समय तक नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट्रोजन हार्मोन है जिसमें यूट्रस इंटैक्ट है, उसमें डर रहता है कि गर्भाशय की जो लाइनिंग है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, उससे उसको बीच में लेडी को बीच में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा उसके थोड़ा सा इस हार्मोन थेरेपी पे कोलेस्ट्रॉल लेवल, वेट पर भी असर पड़ता है। परंतु साथ में हम लोग और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की तरह ही काम करती हैं, जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन स्पेयरिंग मेडिसिंस, जो जिनका ना तो कोई ब्रेस्ट पे इफेक्ट है वो दी जाती हैंगी, जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं और इसकी लाइनिंग इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। हमारे पास ईस्ट्रोजन हार्मोन कई रूप में उपलब्ध है, जैसे कि गोली के रूप में है, पेस्ट के रूप में है, क्रीम जो वजाइना में लगाई जा सकती है, इंजेक्शन हैं।
जिसमें हमें लगता है कि लेडी में कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तब हम इंजेक्शन या गोली नहीं देते हैं, उसको वजाइना में ही लगाने की सलाह देते हैं। वो शरीर के किसी अंग पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। जी, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि तमाम जो दवाएं हैं वो भी उपलब्ध हैं अगर कोई पेशेंट है ऑस्टियोपोरोसिस का, तो अगर हम बात करें दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की, जो दवाएं कोई पेशेंट ले रहा है, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या कुछ ऐसे चेंजेस जो कि नॉर्मल है दवाओं के दौरान या ट्रीटमेंट के दौरान, उससे महिलाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है? जैसे कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी जब हम देते हैं, हार्मोन थेरेपी देते हैं, तो पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग के लिए 3 या 6 महीने के बाद बुलाते हैं, जिसमें उसका वज़न, ब्लड प्रेशर, उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और उसकी लाइपिड प्रोफाइल कराते हैं। अगर वो बढ़ा होता है तो उसको बंद कर देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन उसका ब्रेस्ट यानी वक्ष का एग्जामिनेशन है, और जरा भी कोई शंका होती है तो एक अंदर की अल्ट्रासाउंड की जाती है और साथ में मेमोग्राफी कराई जाती है, और जरा कुछ भी अगर लग रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, तत्काल वो थेरेपी बंद कर दी जाती है, फिर सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जैसे कि जो कुछ दवाइयाँ हैं जो कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, और एक हमारे भोजन में सबसे अच्छा पदार्थ है सोयाबीन, जो कि ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है, वो भोजन में उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए सलाह दी जाती है। जी, तो डॉक्टर अगर हम बात करें जो महिलाएं अल्कोहल लेती हैं या शराब का सेवन करती हैं या धूम्रपान करती हैं जो महिलाएं, क्या उनमें स्थिति इससे विपरीत होती है, इससे क्या अलग रहता है उनकी स्थिति, और क्या उनमें इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको ये बीमारी? जो महिलाएं धूम्रपान कर रही हैं या अल्कोहल ले रही हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई थोड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की वाइन ले रही हैं, वो भी 1-2 पैक से ज़्यादा नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, पर जो लगातार ले रही हैं उससे इसका साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। मानसिक तनाव से भी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। जी, तो अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडी की, तो क्या उसके बच्चे पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है उसकी गर्भावस्था के दौरान, अगर उसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है? यूजुअली गर्भावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस कम ही होती है, कि आजकल हमारे सब में इतनी जागरूकता आ गई है कि एक बार किसी भी स्त्री का गर्भ ठहरता है रेगुलर डॉक्टर को दिखाते हैं। जी बिल्कुल। और 3 माह के बाद हर एक को रूटीन में कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह दिया जाता है, परंतु अगर लेडी में कैल्शियम की मात्रा कम है या गर्भावस्था में उसके भोजन पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है या उसने चेकअप नहीं कराया है, तो इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, जो आगे चल के पता पड़ेगा। जी, उस समय मैनिफेस्ट नहीं करेगा क्योंकि यंग एज है, और बच्चा जो है पैदा होगा वो कम कैल्शियम उसके अंदर होगा और उसका विकास भी प्रभावित होगा। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो अगर हम बात करें इसके जनरेशन वाइज जाने की, या फिर उसके बच्चे पर जो प्रभाव है वो आगे चल के, वो क्या उसे भी कितने परसेंट संभावना है कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? संभावना ये कि क्योंकि एक बार बच्चा पैदा हुआ है उसमें कैल्शियम की कमी है, तो उसमें कई लक्षण होंगे और समय पर सब लोग उसका इलाज करा लेते हैं और वो जो कमी होती है उसको पूर्ति कर दी जाती है, बस उसका विकास जरूर थोड़ा प्रभावित होता है और कुछ नहीं होता है। जी, तो अगर हम डॉक्टर बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के साथ अगर एक महिला की डाइट की, तो वो कैसी रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका सेवन उसको ज़्यादा करना है, किन के किन चीज़ों से उसे बचना है ताकि जो दवाएँ हैं वो पूरे तरीके से अपना काम कर पाए? नंबर 1, एक तो महिला को अपने वज़न के लिए सावधान होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको खाने में प्रचुर लिक्विड्स की खूब अच्छी मात्रा रखनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, तली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इसके अलावा खाना खा के सोने की प्रवृत्ति ख़त्म करें, और दूध के अंदर, मतलब खाने के अंदर दूध और उसके पदार्थ थोड़ी मात्रा में अवश्य रेगुलरली लेने चाहिए। जी, और बाहर का फास्ट फूड वगैरह ये अवॉइड करना चाहिए कि उसमें जो सब चीज़ें प्रयोग होती हैं वो शरीर में उसका हानिकारक असर होता आएगा। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो समय है भागदौड़ भरा है, किसी के पास समय नहीं है, किसी से बात करने तक का समय नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं जो बिजी शेड्यूल है हमारा, उसके बीच में से अगर हम योगा और एक्सरसाइज की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस का कोई पेशेंट है तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसको कैसे अपनी जो रूटीन है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके इनका ध्यान रखना? कोई कितना भी व्यस्त हो, कितनी भी भागदौड़ हो, सुबह का आधा घंटा जस्ट उठने के बाद शांतिपूर्वक योग पे देना चाहिए, और 15 मिनट से आधे घंटे तक रोड टहलना चाहिए। बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर का कार्य करना है, घर में टहलते हुए सारा कार्य करा जा सकता है, और ऑफिस में जब वो जाएं बजाय लिफ्ट से जाने के सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। ऑफिस में भी बैठ के कंप्यूटर पर काम करें
पर एक घंटे बाद उठें, थोड़ा अपनी कमर सीधी करें और थोड़ा सा टहल लें और फिर कंप्यूटर पर बैठ जाएं। टेबल पर बैठे बैठे अपना पैर का मूवमेंट कर सकते हैं, बात करते हुए थोड़ा हाथ का मूवमेंट कर सकते हैं। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अगर इच्छा शक्ति है तो अपने उसी भागदौड़ के कार्यक्रम में बड़े आराम से उस कार्य से एक बार कसरत की प्रवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। जी, तो दर्शकों आपको बता देते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और इनके साथ चर्चा कर रहे हैं हम जो स्त्रियों में हड्डियों का जो घनत्व है कम होता जा रहा है, उसके बारे में हमने इनसे आज के एपिसोड में चर्चा की है। तमाम जो लक्षण हैं वो देख कहीं ना कहीं आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। महिलाएँ जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है या जो इतनी बिजी हैं जिनके पास समय नहीं है, उनको सतर्क होने की ज़रूरत है। जो लक्षण डॉक्टर ने आपको बताए हैं उन पर ध्यान दें और जो अपना रूटीन है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जब आप खान पान की बात करते हैं तो वो भी आपको ख्याल रखना है कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो आपको कम से कम खानी है, घर पर बना भोजन ही करें और इन सब सावधानियों के साथ आपको स्वस्थ रहना है। डॉक्टर, अगर हम बात करें एक अवेयरनेस की या भ्रांतियों की, तो लोगों में अभी इस चीज़ को लेकर किस तरीके की भ्रांतियाँ सामने आती हैं? आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो किस तरीके की जिज्ञासाएँ लेकर आपके पास आते हैं? मैं तो हमेशा मरीजों से कहती हूँ, जहाँ तक हो सके आप अपने घर का सादा बनाए हुआ खाना के प्रयोग करें, बाहर का पैक्ड फूड और अब ये सब अवॉइड करने चाहिए। एक नियमित दिनचर्या रखें और इस दिनचर्या के अंदर सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से लेना चाहिए, चाहे कितने व्यस्त हों। रात का डिनर अवॉइड कर दें, पर वो बहुत आवश्यक है कि आप सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से भरपेट लें, क्योंकि वो पूरे दिन प्रयोग में आ जाएगा, शरीर को ऊर्जा देगा और आप कार्य में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। जी, तो अगर हम बात कर रहे हैं भारत में ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति की, बीते 10 सालों की अपेक्षा अगर हम आज देखें तो क्या स्थिति थी पहले और अभी क्या स्थिति है? वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या कंडीशन है इस समय? इंडिया में डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस की इंसिडेंस बढ़ा है। कारण वही है, छोटे घर हो गए हैं, कई स्टोरी वाली बिल्डिंग्स हैं जिसमें धूप नहीं आती हैगी, एटमोसफियर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो सीधे सूर्य की किरणें शरीर पर लगती ही नहीं है, जिससे कि सूर्य की किरणें जब सीधे शरीर पर लगती हैं तभी विटामिन डी पैदा होता आएगा। और एक अपने को पूरा ढक के निकलने की आदत आ गई, और शायद वो पोल्यूशन से बचाने के लिए, और रास्ते में सब लोग अपने को कवर करके चलते हैं और शारीरिक कार्यवृद्धि तो बहुत कम हो गई है। जी, तो दर्शकों आज के हमारे इस एपिसोड में हमने डॉक्टर संध्या अग्रवाल के साथ चर्चा की ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, किस तरीके के जो लक्षण हैं वो सामने आ सकते हैं, उनसे आपको अपने आप को बचाना है, किस तरीके की जो दवाएं हैं वो आप ले सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट संभव है, समय रहते आप टेस्ट कराइए और ये टेस्ट करा के अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो डॉक्टर, चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप घर की बैकबोन हैं, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। परिवार का समुचित ध्यान दें पर अपना सेहत बिल्कुल अच्छी रखें। सबसे आवश्यक है कि आप अपने भोजन पर ध्यान दें, एक नियमित दिनचर्या करें, अपने को खूब एक्टिव रखें, और उस एक्टिविटी के साथ में, क्योंकि आज जो आपका, आप ये ना सोचें कि आज मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, असली आपको 50 वर्ष की आयु के बाद जो आने वाले 30 साल जिंदा रहना है, वो आपका जीवन बहुत सुख में हो, ताकि उस समय तक आप अपनी सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई होंगी, कई इच्छाएं होंगी जो आपने पूरी नहीं करी होंगी, एक वही समय है जिसमें आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती हैं। अपनी सेहत पे ध्यान दें, अपनी एक निश्चित दिनचर्या कर दें, परिवार के सदस्यों के साथ साथ में बैठें, साथ में भोजन लें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, अपना भी रखें। आपका कल का भविष्य आज की सेहत पर निर्भर करता है। जी, तो आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर संध्या अग्रवाल से जाना ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, तमाम जानकारियां डॉक्टर ने आप तक पहुंचाई हैं। इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारियां दी। तो दर्शकों, आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि परिवार की धुरी होती है महिला, अगर वो स्वस्थ है तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बच्चे आपके आने वाले भविष्य में जो कल है उसे उज्जवल करेंगे। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।